जहां रोज भगवान का कीर्तन होता है ना, वहां घर में कोई भी आपके घर में निगेटिविटी हो, नकारात्मकता हो, वो सब कीर्तन से भगवान के नाम से समाप्त हो जाती। इसलिए आप लोगों को ना भगवान के नाम पर अब भरोसा नहीं रहा। यदि होता तो आप जरूर कीर्तन करते, फिर आप ये ना कहते महाराज जी हम बहुत परेशान हैं। द्रौपदी के जीवन में जब जब दुख आया तब तब उन्होंने किसका नाम लिया बोलो? माता द्रौपदी के जीवन में जब जब दुख आया उन्होंने किसको पुकारा जोर से? कौन, किसको, किसको? भगवान श्री कृष्ण को। और आपको दुख आता है तो आप किसे पुकारते हैं? भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं है जो आपके दुख को दूर कर दे। भगवान के सिवा कोई नहीं है जो आपके दुख को दूर कर दे। लेकिन आपको बस भगवान पर विश्वास नहीं है, बाकी सब पर भरोसा। यहां वहां जाओगे भागोगे लेकिन भगवान को नहीं। इसलिए मेरी मां जगत पर भरोसा ना करो, कह रहे हैं लाखों बार कहे हैं ये बात, जगन्नाथ पर भरोसा करो। वो लोग सुखी हैं जिन्हें भगवान पर भरोसा है, वो दुखी हैं जो संसार पर भरोसा करते हैं। अपनों पे भी क्या भरोसा करना, करो ठीक है, अपने तो ठीक हैं, अपने हैं, लेकिन अपनों से ज्यादा भगवान पर खूब और नाम जप करो भगवान का, प्रेम करो भगवान से। तो आज से कितने लोग रोज अपने घर में 10 मिनट 20 मिनट कीर्तन जरूर करेंगे, आपके बेटों को बेटियों को कितना बढ़िया संस्कार मिल जाएगा यदि आप रोज कीर्तन करने लग जाएं। तो आज से नियम बनाओ, आज हरियाली तीज है, आज से नियम बनाओ कि आप रोज घर में कम से कम 20 मिनट कीर्तन करेंगे। आंख बंद कर लो, भगवान के चिंतन में डूब जाओ और खूब बेटा बेटी सब बैठ के ताली बजाओ। ढोलक बन रही है तो ढोलक बजाओ, झांझ बजाओ, मंजीरा बजाओ, कुछ ना आवे तो ताली बजाओ, ताली भी। और सुर ताल की जरूरत नहीं महाराज जी, हम तो संगीत नहीं आता, नहीं, सुर ताल से नहीं गाना, भाव से गाना है। भगवान सुर ताल के मुखे नहीं है, आपकी सुर ताल कैसी है, आपका भाव कैसा है। सुर से ना गाओ, ताल से ना गाओ, भाव से गाओ। किससे गाओ? भाव से गाओ। भाव है तो टूटी फूटी वाणी सुरताल भगवान थोड़ी देखते हैं। बस नाम भगवान का पुकारो, फिर देखो आपके जीवन में कोई संकट आए तो बताना। भगवान काहे बैठे हैं, सबके रक्षक हैं। वो कहते हैं बस मुझे बुलाए तो सही कोई, बिना बुलाए आपके घर में कौन आता है? तो बिना बुलाए भगवान कैसे आएंगे? आप बुलाते नहीं भगवान को।